नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सड़कों की दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा और जय राम जय श्री राम के नारे लगते हुए लोग प्रधानमंत्री पे फूल बरसाते हुए नजर आए। और साथ ही महिलाएं सड़कों पे कई कार्यक्रम पेश करती हुई नजर आई, नृत्य करती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री की अयोध्या धाम जंक्शन पे केंद्रीय रेल मंत्री ने उनको रेलवे का यानी जो स्टेशन है उसका मॉडल दिखाया और वहां की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के प्रधानमंत्री ने रवाना किया। इससे पहले उन्होंने नवनिर्मित जंक्शन का उद्घाटन किया। पीएम ने अयोध्या रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया और अब प्रधानमंत्री ने ट्रेन में पहुंच के जायजा लिया और स्कूली बच्चों से बात की। और आस्था हमारी संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। आस्था, चूंकि अब 2023 साल जो है उसका अंत होने को है, वो आखिरी पड़ाव पे हैं हम, लेकिन अयोध्या में एक नए युग का आगाज प्रधानमंत्री ने किया है, जरा बताएं वहां के बारे में। बिल्कुल राजेश जी, अगर बात की जाए तो आज अयोध्या नगरी बिल्कुल त्रेता युग की एक वो परिकल्पना को देख करके महसूस की जा सकती है कि किस तरीके से आज कलयुग में भी त्रेता युग को देखा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए 16,000 करोड़ की योजनाओं को लगातार उनकी तरफ से दिया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद थे और पूरी तरीके से अयोध्या नगरी जो है वो भगवा महक में तब्दील होते हुए दिख रही है। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ आधुनिकता का ये जो मिलन है वो संपूर्ण रूप से आज अयोध्या नगरी में देखा जा रहा है, जो विकास की तर्ज को एक विश्व पटल पर आज का दिन पूरी तरीके से दुनिया भर में ये आगाज हो रहा है कि अयोध्या नगरी आज पूरी राममय हो रही है। और कितना उत्साह लोगों ने दिखाई दिया, क्योंकि हमने देखा जब काफिला प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा था तो अमूमन कोई राजनीतिक पार्टी होती है, जब उसका कोई इस तरीके से रोड शो होता है तब पार्टियों के कार्यकर्ता इस तरीके से फूल बरसाते हैं, लेकिन हमने आज देखा आम लोग जो भावुक भी थे, उत्साहित भी थे, खुश भी थे, वो भी यहाँ पे फूल बरसाते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए अगर अयोध्या नगरी की बात की जाए तो अयोध्या वासी जो हैं आज उनको इस बात की खुशी है कि एक बार फिर से जिस चीज का वो इंतजार था, 500 वर्षों का वो जो लंबा इंतजार था, उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही की वजह से वो आज संपूर्ण हो पाया है, वो दिन जो है वापस आ पाया है। भगवान श्री राम जो है वो ठाट से ठाट और ठाट से आज वो महल की ओर विराजमान हो रहे हैं, तो वो केवल केवल जो है पीएम मोदी की वजह से हो पा रहा है, ऐसा अयोध्या वासी का मानना है। तो यहाँ से जिस दफा वो गुजर रहे थे तो उस दरमियान यहाँ पर खड़ा एक अयोध्यावासी, यहाँ पे खड़ा हर वो राम भक्त की आंखों में आंसू भी था और वो यही बात कहने को मजबूर था कि आज जो भी पॉसिबल हो पाया, जो भी मुमकिन हो पाया, अगर प्रधानमंत्री ना होते तो ये ना होता। तो वो उत्साह जो है यहाँ पर देखना जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको दिखाएं, क्योंकि ये काफिला जो है जिस तरीके से रेलवे स्टेशन की ओर गया है और अब वहां से जब वो वापसी करेगा तो वापसी के दरमियान उस तरफ भी आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के पीछे कि किस तरीके से इतनी ठंड होने के बावजूद भी कि हाथ भी गल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं हो चाहे युवा हो चाहे बच्चा हो, हर एक व्यक्ति यहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहां पर लंबी कतारों में लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं आप जिस तरीके से बैरिकेडिंग के पीछे का ये दृश्य है, जहां हर एक व्यक्ति खड़ा है और बस एक बात के लिए कि प्रधानमंत्री की एक झलक जो है उनकी वापसी में, जो ये काफिला जो है एयरपोर्ट की ओर जाना है उस दरमियान भी दिख सके। जी राजेश जी, ऐसे में आस्था, चूंकि लोग भी काफी उत्साहित हैं, आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, अगर उनसे बात करना संभव हो, अगर वो बात कर पाए तो आप उनसे बात कीजिए कि कहां से आए हैं, किस तरह का उत्साह है, कितनी बदली हुई अयोध्या नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आपको बात करवाऊं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, गुजर भी रहे और बस अभी भी यहाँ पर लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें जो है एक दृश्य प्रधानमंत्री का दिख जाए। क्या नाम है, नाम बताइए? हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता, कहाँ से? यही अयोध्या से। जी जी, कितनी खुशी हो रही है आज प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, सबका अभिवादन किया? बहुत खुश हो रहे हैं आज हम लोग, बहुत खुश हैं, क्योंकि क्या नाम है, देखिए हम लोग का बिजनेस भी इसी हिसाब से बढ़ा हुआ है और हम लोग इतने खुश हैं, जो पहले नहीं था वो अब दिख ही रहा है। हाँ। और दिख भी रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं और आने वाले समय पर जब राम मंदिर बनेगा, बन भी गया है 22 तारीख को, और भी ज्यादा हम लोग सक्सेस भी हो रहे हैं और साथ में बिजनेस भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री की 22 जनवरी को जिस तरीके से उनको आना है, रामलला जो है विराजमान होंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रधानमंत्री का ये रोड शो था और अयोध्या वासियों को जो विकास की एक उन्होंने शिलान्यास किया है, कई योजनाएं दी हैं, वो कैसे देख रहे हैं? हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कई दिन से योगी जी भी आ रहे हैं, साथ में और भी सभी लोग आ रहे हैं। हाँ। तो इससे क्या नाम है, और भी बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, तो इससे हम लोग को और खुशी हो रही है, क्योंकि क्या नाम है, आने वाले समय में भी और भी बड़े बड़े लोग आएंगे। धन्यवाद। ठीक है, देखिए हमारे साथ महिलाएं भी हैं और भाजपा का पटुका भी लगाए हुए हैं, टी शर्ट भी पहने हुए। आज नरेंद्र मोदी की टी शर्ट पहने हुए कितनी खुशी हो रही है? इतनी खुशी हो रही है कि हम कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, खुशी तो बर्दाश्त से बाहर है, खुशी इतनी खुशी है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन किया, आपको आपसे भी जिस तरीके से मुलाकात की, सबको हाथ हिलाते हुए देखा, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अयोध्या की हैं हम, मेरठ के हैं, मेरठ वासी हैं। आप लोग मेरठ से आए हुए हो? देखने दिन से पड़े हैं यहाँ पे, मोदी को देखने के लिए, योगी को देखने के लिए 10 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं। आखिर इतना प्रेम क्यों? प्रेम हमारे राम से उन्हें प्रेम है, हमें उनसे प्रेम है। जो राम को प्यार करेगा हम उसको प्यार करेंगे। तो लगता है कि आज जो अयोध्या नगरी का विकास हो रहा है उसका श्रेय किसको देंगे? योगी और मोदी, दोनों को, दोनों को ही देंगे। हमारी अयोध्या को सुरग बना दिया उसने, सुरग, दोनों ने सुरग बना दिया। जब तक सूरज चांद रहेंगे, मोदी योगी नाम रहेंगे, अमर रहेंगे। ये हमारा सारा 10 दिन से हम यहीं पर हैं। हमारा गोपाल जी महाराज की कथा चल रही है, जानकी